हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दो बॉक्स देख रहे होंगे और बहुत सारे इयररिंग्स देख रहे होंगे। ये क्यूलिंग पेपर से बनाए हुए इयररिंग्स हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कलेक्शन का फर्स्ट पार्ट आपको दिखा रही हूँ। मैं ऐसे दो पार्ट और बनाऊंगी, सिल्क थ्रेड का और अदर जो मैंने इयररिंग्स बनाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ तीनों पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाए भी थे। ये मैंने क्यूलिंग पेपर से बनाए हुए हैं। ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये झुमकी बनाई हुई है मैंने। ये देखिए मैं इसमें डाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे इन मोतियों का यूज़ किया हुआ है इसमें। ये देखिए, और ये देख सकते हैं, ये मैंने डबल झुमकी लगा के बनाए हुए हैं इनको। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। कलर मैंने नीचे डार्क कलर यूज़ किया है, ऊपर लाइट कलर यूज़ किया है, ये आप देख सकते हैं। एक ये देखिए, ये ग्रीन कलर में झुमकी बनाई हुए हैं और ये इसमें मोती लगाए हुए हैं मैंने ये, और यहाँ पर डायमंड चेन लगाई हुई है। ये देखिए, अलग अलग क्यूलिंग पेपर से, मतलब आप अलग अलग कलर के आप बना सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें बॉल चेन का मैंने यूज़ किया है और इसमें मैंने डायमंड जो मल्टी कलर की चेन होती है उसका यूज़ किया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये देखिए बहुत ही ये सुंदर दिख रहा है। इसमें मैंने ये वाइट कलर के मोती और गोल्डन कलर के मोतियों का यूज़ किया है और यहाँ पे गोल्डन कलर की बॉल चेन यूज़ की है। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क कलर है, इस पर मैंने ये डायमंड चिपकाए हुए हैं। ये देखिए, और नीचे पर्ल लटकाया हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने डबल झुमकी का यूज़ किया है बना के। कलर हमने एक ही रखा है, यहाँ पे बस थोड़ा सा लाइट यूज़ किया है। ये देखिए, और ये यहाँ पे आप ब्लैक कलर देख सकते हैं। ब्लैक वैसे यूनिवर्सल कलर होता है, आप तो जानते ही होंगे। ये देखिए, हर किसी पे आप पहन सकते हैं ब्लैक कलर। और यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी कलर यूज़ किया है, ये देखिए, और साथ में डायमंड चेन यूज़ की है। और यहाँ पे ये मैंने ये भी आपको शायद पहले दिखाई हुए हैं एक वीडियो में। ये देखिए वाइट कलर का, और ये देखिए ये ब्लू कलर का है। ये मैंने दोनों एक जैसा बनाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, मैंने कोई यूज़ नहीं किया है चेन वगैरह, इसको मैंने प्लेन ही रखा है। ये देखिए, ये देखिए ये भी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने वाइट कलर का थोड़ा सा यूज़ किया है और साथ में डायमंड चेन यूज़ की है। ये आप देख सकते हैं, ये कलर बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए वाइट के साथ थोड़ा सा रेड टच, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और नेक्स्ट आप ये देखिए, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल कलर की बॉल चेन। ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ। ये देखिए पिंक और वाइट कलर, ये आप देख सकते हैं। आप इजीली सूट वगैरह, साड़ी वगैरह पर भी वेयर कर सकते हैं, जीन्स वगैरह पे। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ में बनाया हुआ है इसको। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। ये एकदम जैसे वो घंटी होती है उसका शेप है ना, वैसा होता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, इसका इसलिए मैंने थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखा है। आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा पूरा सेट बनाया हुआ है। ये
गले का है और ये उसके इयररिंग्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने 3 उसका बनाया है, ये आप देख सकते हैं 3 लेयर लगाई है मैंने इसमें झुमकी की, येलो, ऑरेंज और ब्लू कलर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अभी नेक्स्ट ये देखिए, ये दोनों सेम है, थोड़ा सा बस इसमें कलर का डिफरेंस है। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट है और एक रेड और वाइट है। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अभी नेक्स्ट ये डिज़ाइन देखिए, ये मैंने बॉटल डिज़ाइन बनाई हुई है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। और यहाँ पे ये देखिए, ये भी उसी शेप में बनाया हुआ है, एक ही कलर यूज़ करके। ये देखिए अब नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला झुमकी ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने एक घुंघरू लटकाया हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अभी नेक्स्ट ये देखिए, ये आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बनाने में, बहुत आसानी से ये वाला बन जाता है। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, दोनों साइड से आप इसको बियर कर सकते हो। ये देखिए अभी नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको ये वाला। ये देखिए ब्लैक और ऑरेंज कलर और गोल्डन टच दिया है मैंने, कितना सुंदर दिख रहा है। अभी ये झुमकी देखिए, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अभी ये देखिए, ये जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह पे, सूट वगैरह पे आप पहन सकते हैं। ये क्यूलिंग का, क्यूलिंग पेपर का बनाया हुआ है, अंदर भी मैंने क्यूलिंग पेपर यूज़ किया है। और ये डिज़ाइन आपको इजीली ऑनलाइन पे, आप टूल अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसे ही मैं ये डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। ये देखिए एक ये डिज़ाइन है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये भी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया हुआ था। ये देखिए अभी नेक्स्ट ये वाला भी देखिए आप। इसमें मैंने अंदर से क्यूलिंग पेपर का ये लगाया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो ये देखिए एक ये फ्लावर डिज़ाइन है, स्टड्स हैं ये। ये मैंने आपको दिखाए हुए थे, इसका वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए फ्लावर डिज़ाइन कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत इजीली बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बनाने में। अभी मैं आपको छोटी छोटी सी झुमकियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ, इसको भी साइड में रख देते हैं। ये देखिए कितनी सारी छोटी छोटी सी झुमकियाँ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए इजीली, मतलब हर कलर का आप बना सकते हैं, हर कलर पे आप पहन सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं ये। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट की है, एंड ये रेड और येलो कलर का मिक्स करके बनाया हुआ है। ये ब्लू एंड वाइट कलर है और ऑरेंज है, ये कॉफ़ी कलर है। ये देखिए थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर है, कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए पर्पल कलर है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी दिख रही हैं छोटी छोटी सी झुमकियाँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं पहनने पर। ये देखिए तो आप बताइए आपको कौन सी झुमकी पसंद आई, कौन सा इयररिंग्स आपको पसंद आया, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये सारे क्यूलिंग पेपर से मैंने ही बनाए हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डालूं तो आप सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, मैं ये 3 पार्ट में अपना कलेक्शन दिखाऊंगी, तो प्लीज़ दोनों पार्ट और देखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।